आप हैं समन ताहिर, नगर पालिका चेयरमैन सैला ताहिर की बेटी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बरेली ज़िला में जो चर्चाएँ हैं कि समन ताहिर को लोकसभा का टिकट समाजवादी सैकड़े मोर्चा से मिल रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्या आपकी तैयारी है, और अगर आप जनता से वोट मांगने जब जाएंगी तो क्या आपके चुनावी मुद्दे होंगे? हाँ, अगर सतपाल जी टिकट देते हैं तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। अच्छा, चुनाव आप लड़ेंगी और जनता के पास अगर वोट मांगने जाती हैं तो क्या मुद्दे होंगे आपके विकास के? विकास के मुद्दे होंगे कि बेरोजगारी बहुत है हमारे यहाँ पे, और किसानों को उनके गन्ने का मोल ठीक से नहीं मिल रहा है, बहुत बेरोजगारी है। जो लोग हैं मतलब बीटेक एमबीए वाले, वो ऐसे ही भटक रहे हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, यही सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। मैडम, कल आपने अचानक बसपा छोड़कर सतपाल जी की पार्टी ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्योंकि सतपाल जी के साथ काम शुरू से थे और एक तरह से अपने घर वापसी भी है। इसमें आपके साथ में कितने लोग ये हमारे समर्थक हैं? 67 लोग हैं, काफी अच्छी तादाद में लोग हमारे साथ हैं, सैकड़े मोर्चा से जुड़े हैं लोग। आगे क्या तैयारी है लोकसभा की? अब जो आदेश होगा माननीय शिवपाल जी का, वो उसका आदेश में पालन किया जाएगा। चर्चाएं ये हैं कि आपकी बेटी समन ताहिर वो लोकसभा की प्रत्याशी हो सकती है। हाँ, वो टिकट अगर देते हैं चुनाव के लिए और आदेश देते हैं तो दोनों में से कोई भी हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा या इश्यू नहीं है। देखिए, हमारा दिल पहले से ही माननीय शिवपाल जी से जुड़ा हुआ है, और माननीय शिवपाल जी का जब अखिलेश यादव जी अपमान कर रहे थे उस टाइम भी हम भारी संख्या में लखनऊ पहुंचे और माननीय शिवपाल जी की हौसला अफजाई की, और हम उनका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो बेटा अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर सकता, जो बेटा अपने पिताजी का अपमान कर दे, उस बेटे से हम क्या उम्मीद लगाएं? चर्चाएं ये हैं कि आपकी बेटी समन ताहिर लोकसभा की प्रत्याशी हो सकती है। 100% लोकसभा की माननीय शिवपाल जी टिकट देंगे, और उन्होंने फोन पर कहा भी है। अच्छा, मतलब आप तैयारी करिए, आपकी बेटी चुनाव लड़ेंगी तो आप उनके लिए किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ाना चाहेंगे? हम उनको इस मुद्दे पर चुनाव लड़ाना चाहेंगे कि हमारा जिले में सबसे ज्यादा नवाबन जिले में सारी तहसीलें पिछड़ी हुई हैं, और कोई भी इतने बेरोजगार लोग हैं जिनको रोजगार, यहाँ पर बहुत बहुत एमपी रहे, रोजगार की बात किसी ने नहीं उठाई, ना कोई नौकरियां लगी कहीं, फैक्ट्रियों को लाएंगे, माननीय शिवपाल जी से सिफारिश करके फैक्ट्रियों को यहाँ लाएंगे, और जिससे कि रोजगार मिले, रोजगार मेन रोटी मिल जाए आदमी को, यही बहुत है। और दूसरा यह है जो सड़कें स्मार्ट बना देंगे, और हमारी जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए पेंशन है, गरीब महिलाएं हैं जो मतलब महिलाओं को हम जोड़ेंगे, महिलाओं के लिए हम जो मकानहीन हैं तो उनके मकान वगैरह, और हम समान विचारधारा के लोगों से जो समान सेक्युलर लोग हैं उनको वैसे काफ़ी प्रधान और हमारे सभासद और जिला पंचायत सदस्य वगैरह जुड़ गए हैं, और शैला जब चुनाव लड़ी थी निर्दलीय तो 40,000 वोट इनको मिला। हम सपा को किसी भी कीमत पर, सपा की जमानत जब्त करा कर रखेंगे।